अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कोरोना वायरस एक एक्सीडेंट था या अमेरिका ने चाइना पर हमला किया था, और क्या होगा अगर चाइना दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। आज चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर है और आने करीब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाला है। अगर प्रोग्रेसिव नेशन की लिस्ट निकाली जाए तो चाइना आज टॉप पर आता है, लेकिन आज से जस्ट 40 साल पहले 1983 में चाइना में पॉवर्टी रेट था 60% और यहाँ पर लोगों को फार्मिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता था। जब पूरी दुनिया इंडस्ट्रीज बिल्ड कर रही थी तो चाइना बस खेतों में काम कर रहा था, और एक टाइम पर आकर तो चाइना में 30 मिलियन लोग जस्ट पॉवर्टी से मर गए थे। लेकिन आज विद 17 ट्रिलियन GDP के साथ चाइना दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और जहाँ की बिल्डिंग आसमानों को टच कर रही हैं, और पूरी दुनिया पर चाइनीज प्रोडक्ट्स का राज है, और सही मायनों में चाइना एक दुनिया की सुपर पावर कंट्री बन चुका है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इन 40 सालों में कि चाइना दुनिया की सुपर पावर बन चुका है, एंड व्हाट आर द लेसन्स दैट पाकिस्तान नीड्स टू लर्न फ्रॉम द राइज ऑफ द चाइना। आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, चाइनीज लोग अपने मुल्क को चाइना कहकर नहीं पुकारते, ये अपने मुल्क को पुकारते हैं चोंग हो, जिसका मतलब है मिडल किंगडम। दोस्तों, ये वर्ड सिंबलाइज करता है चाइना की 4000 साल पुरानी तारीख को, कि कैसे चाइना दुनिया का सेंटर हुआ करता था क्योंकि ये मिडल में था। नक्शे में देखा जाए तो चाइना दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, और 19वीं सेंचुरी तक चाइना दुनिया का पावरफुल किंगडम कहा जा सकता था। अगर मैं स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो 1894 में चाइना और जापान में पहली सीनो जापानीज वार देखने को मिलती है। चाइना और जापान टेरिटरी को लेकर वार पर चले जाते हैं। उसके बाद 1937 से 1945 का दौर भी चाइना के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक था। जापानीज कॉलोनाइजर्स के हाथों चाइनीज लोगों का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड वार टू का दौर था, और इस दौरान तकरीबन 30 मिलियन चाइनीज मारे जाते हैं जंग के दौरान। लेकिन फाइनली जब चाइना अपने एलाइज के साथ वर्ल्ड वार टू जीत जाता है तो यहाँ पे उम्मीद की एक किरण नज़र आती है चाइनीज लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों चाइनीज लोगों का एक और इम्तिहान बाकी था, जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी KMT के दरमियान सिविल वार का आगाज़ हो जाता है, और ये वार तकरीबन 4 साल जारी रहती है। लेकिन फाइनली ये वार कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के साथ ख़त्म होती है 1949 में। नेशनलिस्ट पार्टी के लोग पास के एक आइलैंड पर भाग जाते हैं जिसको आज हम ताइवान कहते हैं, और मेनलैंड चाइना पर राज शुरू होता है माओ ज़ेडोंग का। पाकिस्तानी इसको माओ ज़ेडोंग कहते हैं। 1 अक्टूबर 1949 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कंट्री का जन्म होता है, और यहीं से असल चाइना की कहानी शुरू होती है कि कैसे इतने कम रिसोर्स के साथ चाइना दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. तक माओ ज़ेडोंग ने एक डिक्टेटर के तौर पर हुक्मरानी की चाइना पर, और माओ ने अपनी हुक्मरानी के दौरान पूरे मुल्क में नेशन वाइड एक पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए। और माओ की हुक्मरानी के दौरान पूरे मुल्क में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। 1950s में ही अपने बर्थ के सिर्फ 1 साल के बाद एक मैरिज लॉ पास किया गया, जिसके मुताबिक अरेंज मैरिज और फोर्स मैरिज को इलीगल करार दिया गया, और औरतों को राइट ऑफ डिवोर्स भी दे दिया गया। माओ की पॉलिसीज ने औरतों को मर्दों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन इकोनॉमिकली देखा जाए तो माओ की बहुत सारी पॉलिसीज को फेल ही कहा जा सकता है। 1958 में माओ ज़ेडोंग ने सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पॉलिसी बनाई, जिसमें ज़मीन ज़िम्मेदारों से लेकर किसानों में बांटना, और इसको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया, और ज़मीन की जो ओनरशिप थी वो सरकार के हाथ में थी, और फार्मर जो भी क्रॉप उगाते थे वो सरकार को दे देते थे। उसमें फार्मर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता था और ना ही कोई ओनरशिप होती थी। इसकी वजह से किसान बहुत जल्दी सिर्फ 2 सालों के बाद अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। और कुछ ही सालों में माओ की ख़राब पॉलिसीज और ख़राब मौसम की वजह से मुल्क में कहत आ जाता है। द ग्रेट चाइनीज फेमिन
1959 to 1961 इन 3 सालों के दौरान तकरीबन 30 मिलियन चाइनीज मारे जाते हैं भूख और कहत की वजह से, और इसको तारीख का सबसे खौफनाक तरीन फैमिन कहा जा सकता है। और दूसरा स्टेप था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस स्टेप में माओ ने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए स्टील की प्रोडक्शन के लिए, और छोटे लेवल पे भी घरों के बैकयार्ड पे लोगों को कहा गया कि छोटे छोटे स्टील प्रोडक्शन के यूनिट लगाए जाएं। और ये बहुत अच्छा स्टेप कहा जा सकता था लोकल लेवल पे प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जो लोकल लेवल पे छोटे छोटे घरों में होने वाला स्टील प्रोडक्शन था उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो थी, और ये स्टील इस्तेमाल के बिल्कुल भी काबिल नहीं था, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है। और नंबर थर्ड, बहुत बड़े लेवल पे माओ की गवर्नमेंट की जानिब से स्पैरोज की नस्ल कुशी की जाती है, और ये कहा जाता है कि जो स्पैरोज हैं वो क्रॉप खा जाती हैं, अनाज खाती हैं, जिसकी वजह से अनाज में कमी होती है, और पूरे मुल्क में स्पैरोज की नस्ल कुशी की जाती है। और जब बड़े लेवल पे स्पैरोज को मार दिया जाता है तो फसलों में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाते हैं। इन स्पैरोज को मारने की वजह से पूरा का पूरा इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। ख़राब मौसम और कीड़े मकोड़ों की वजह से क्रॉप्स प्रोडक्शन में और बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है, और माओ को उनकी पॉलिसीज की वजह से पूरे मुल्क में क्रिटिसाइज किया जाता है। और डिक्टेटर कभी भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते, और माओ ने इस क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्स करने के लिए एक नई कंपेन को लॉन्च किया जाता है। उस कंपेन का नाम होता है कल्चरल रेवोल्यूशन। इस कंपेन का मकसद था अपोजिशन को दबाना, और बहुत बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा किया जाता है और पीआर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टूडेंट्स के साथ एक सिविलियन आर्मी बनाई गई रेड गार्ड के नाम से। इस आर्मी का मकसद था कि जो भी माओ की पॉलिसीज के ख़िलाफ़ है उसको टारगेट किया जाए, और पूरे मुल्क में इस रेवोल्यूशन के नाम पर डर का माहौल बना दिया गया, और लोगों को ये इनकर्ज किया गया कि जो भी यहाँ पर गद्दार नज़र आए उसको रिपोर्ट किया जाए। गद्दार मतलब जो भी माओ की पॉलिसीज के ख़िलाफ़ बोलेगा या तनकीद किया करेगा इसको रिपोर्ट किया जाए और उसको टारगेट किया जाए। और ऐसा ही किया जाता था, और रेड गार्ड की जानब से बहुत बड़े लेवल पे लोगों को टारगेट किया जाता है और मारा जाता है। और ये कहा जाता है कि तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर, और टोटल तकरीबन 50 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं चाइना में माओ की पॉलिसी की वजह से। 1976 माओ की ख़राब सेहत की वजह से डेथ हो जाती है, लेकिन अभी तक चाइना की हालत में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई थी। माओ की पॉलिसी की वजह से चाइना की इकोनॉमी आइसोलेट हो चुकी थी, सेंट्रली कंट्रोल्ड होने की वजह से चाइना की इकॉनमी पूरी दुनिया से अलग हो चुकी थी। लेकिन माओ को जाने के बाद एक नए लीडर सामने आते हैं उभर कर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, डिंग जियाओपिंग, द रियल फादर ऑफ मॉडर्न चाइना, क्योंकि इन्हीं के दौर में शुरू होता है चाइना का असल ट्रांसफॉर्मेशन। माओ के दौर में सेंट्रलाइज प्लानिंग बहुत ज़्यादा थी, और एक शख्स ऊपर बैठकर ये डिसाइड कर रहा होता था कि चीज़ें कैसे चलाई जाएंगी, और एक डिक्टेटर ही बताता था कि मुल्क को लेकर कैसे चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, सारा कुछ सेंट्रली कंट्रोल्ड हो रहा था। लेकिन डिंग के आने के बाद चाइना के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होती है, और रियल सेंस में चाइना की इकॉनमी को फ्रीडम मिलती है, और जिसकी वजह से चाइना की इकॉनमी बूस्ट होना शुरू हो जाती है। डिंग की जो आइडियोलॉजी थी वो माओ की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। डिंग का ये मानना था कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज पर या इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड है, जो कि नहीं होना चाहिए। डिंग की इस आइडियोलॉजी को नाम दिया जाता है सोशलिज्म विद चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, माओ के दौर में चाइना में चलने वाली इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैक्ट्रीज को मैनेज करने की, वो दी जाती थी कम्युनिस्ट पार्टीज के बंदों को, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन डिंग ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दी जाएगी फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को और मैनेजर्स को। फैक्ट्रीज मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी वजह से काम करने में बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला। अब फैक्ट्रीज में क्या प्रोड्यूस करना है और उनके काम का क्या टारगेट है, कितना उनको प्रोडक्शन का टारगेट दिया जाएगा और कितना उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, ये अब डिसाइड करेंगे मैनेजर्स और काम करने वाले वर्कर्स। और वर्कर्स को ज़्यादा काम करने का इंसेंटिव भी दिया गया, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुई, और वर्कर्स के अंदर एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप का एहसास पैदा हुआ,
और वर्कर्स को काम करने में बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है। दोस्तों 1978 में 95 करोड़ पॉपुलेशन के चलते चाइना के अंदर जो ह्यूज वर्क फोर्स था वही चाइना की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स बनता है। चाइना में मैसिव लेवल पर लेबर फोर्स तो मौजूद थी, लेकिन ये सारी की सारी अनस्किल्ड थी, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न थी माओ की कल्चर और रेवोल्यूशन की पॉलिसी, जिसमें लोगों के सोच और नज़रियात को दबाने के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इदारों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन डिंग ने आकर इस पॉलिसी को रिवर्स करना स्टार्ट किया और एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। 1986 में कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें 9 साल तक फ्री एजुकेशन थी चाइना में हर बच्चे के लिए। जीडीपी में एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पोर्शन रखा गया। 1982 में चाइना में लिटरेसी रेट था 65% पे और 2012 में ये लिटरेसी रेट 95% क्रॉस कर गया। डिंग ने ना सिर्फ जर्नल और कन्वेंशनल एजुकेशन पर पैसा इन्वेस्ट किया, बल्कि उन्होंने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड किया गया, जो ह्यूज लेबर फोर्स मौजूद थी लेकिन अनस्किल्ड थी, अब स्किल्ड लेबर फोर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। दोस्तों किसी भी कंट्री में जब बाहर की कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है तो उस कंपनी को स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन जब लोग ही स्किल्ड और एजुकेटेड नहीं होंगे तो कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। और डिंग को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सिखाई जाएं। अब चाइना में लेबर सस्ता था, लोग भी स्किल्ड थे और ब्यूरोक्रेसी भी कम थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से चाइना में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है और शिनजिंग पहला इकोनॉमिक जोन बनता है चाइना में। फॉरेन कंपनीज को मुल्क में आने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करने के लिए एक ओपन डोर पॉलिसी बनाई गई और चाइना की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के सामने खोल दिया गया और इसे कहा जाता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। दुनिया की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, एप्पल, नाइकी और फॉसन फोगल जैसी कंपनीज ने चाइना के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना शुरू कर दिए थे। और दोस्तों डिंग ने फार्मिंग लैंड पर गवर्नमेंट कंट्रोल को हटाकर प्राइवेट फार्मिंग और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। पहले फार्मिंग की सारी कमाई स्टेट के पास जाती थी और फार्मर को सिर्फ बेसिक वेज ही मिल पाता था, लेकिन डिंग ने डिसाइड किया कि फार्मर स्टेट को टैक्स देने के बाद बाकी ग्रेन को मार्केट में बेच सकते हैं और इस पॉलिसी ने इनकलाब बरपा कर दिया और ये पॉलिसी मैसिव लेवल पर सक्सेसफुल रहती है और चाइना देखते ही देखते फूड सरप्लस कंट्री बन जाता है, लोग पॉवर्टी से निकलने लगते हैं और फार्मर को इसके साथ जब फॉरेन इनकम आना शुरू हो जाती है तो फार्मर्स कॉटन में और शुगर केन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। कॉटन एक वाइड साइड कैश क्रॉप थी जो चाइना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन की बहुत बड़ी वजह बनती है। दोस्तों इसके साथ साथ डिंग ने टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइज टीवीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि इसी से जो अनस्किल्ड लेबर था उसको आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज में शिफ्ट किया जाना था। दोस्तों टीवीज 1990 में चाइना की इकोनॉमी का फाउंडेशन बनते हैं, क्योंकि टीवीज की इंडस्ट्री से ही टॉयज, फर्टिलाइजर, फर्नीचर और कॉस्मेटिक्स को प्रोड्यूस किया जाता था और आहिस्ता आहिस्ता टीवीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट होने लगे और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बन के सामने आने लगी और टीवीज ने चाइना की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया। टीवी से बनने वाली स्मॉल इंडस्ट्रीज 1985 तक चाइना की इकोनॉमी में तकरीबन 23% कंट्रीब्यूशन किया करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 1990s में जाकर इसका कंट्रीब्यूशन 30% तक पहुंच जाता है। टीवीज ने 10 करोड़ से ज़्यादा रूरल जॉब्स भी क्रिएट की। इसके अलावा स्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, रेलवे लाइंस बिछाई गई और शहरों के अंदर जदीद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया और रिसर्च को एक प्रायोरिटी बनाया गया और 8 लाख से ज़्यादा चाइनीज रिसर्चर्स के लिए एक क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। दोस्तों चाइना की प्रोग्रेस पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। डिंग की पॉलिसी से हम ये सीखते हैं कि रिफॉर्म्स लाना एक ग्रेजुअली प्रोसेस है और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को रीएडजस्ट भी किया जाता है और रिफॉर्म्स को आस्ता आस्ता लाया जाता है और वन मैन शो नहीं होना चाहिए और ना ही डिक्टेटरशिप हो कि ऊपर बैठे हुए डिक्टेटर ये डिसाइड करे कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। यूनानिमसली बहुत ज़रा सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए और इस प्रोसेस को बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए और विद द पैसेज ऑफ टाइम हर जगह पे
हर स्टेज पे चीज़ों को चेक करना चाहिए और रीएडजस्ट करना चाहिए एज पर नीडेड। दोस्तों इन सारी चीज़ों में चाइना ने जिस बात पे कंप्रोमाइज़ किया और जो फैक्टर था कंप्रोमाइजिंग वो था एनवायरनमेंट। चाइना ने अपनी तरक्की के लिए एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया जो कि नहीं करना चाहिए था। इंसानों के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी एनवायरनमेंट होना चाहिए, इस पर कंप्रोमाइज़ हरगिज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है तो बाकी ये साइशात लग्जरी का और इनोवेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे क्लाइमेट चेंज पर और आपको बताएंगे इस धरती का क्लाइमेट कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है और हमने कौन से स्टेप्स लेकर इस क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।